आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि पूरे भारत में योग प्रचलित होता जा रहा है, तो वहीं हम एक तरफ देखें कि कोरोना काल में जैसा कि सभी लोग घर पर रह रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा था अब तक, तो जिम भी बंद थे। अभी कह रहे हैं कि आगे 1 अगस्त को जिम मतलब स्टार्ट होने जा रहे हैं, लेकिन वहीं लोग जाना भी अभी पसंद नहीं करेंगे, जिम ज्वाइन करना पसंद नहीं करेंगे। तो हम घर पर रहकर योग के द्वारा कैसे वेट लॉस कर सकते हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए हमें डिटेल से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं मिस कृतिका पुंगर, असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो मैम, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि कोरोना काल जैसे चल रहा है, तो कोरोना के चलते लोग घर पर रहकर अपना वेट लूज कैसे कर सकते हैं? नमस्कार, पर्पल न्यूज में हम आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। अब आज के टाइम में जैसे अब सब जानते हैं कि लॉकडाउन में यही सबसे बड़ी हिदायत है कि घर पर रहिए, सेफ रहिए। तो किस तरह से घर पर रहकर हम अपना वेट मैनेज कर सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में हम कहीं बाहर जा सकते हैं, हम वॉक पे जा सकते हैं, बहुत इजीली सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम में जहां लोग डरते हैं बाहर जाने से सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, या फिर ये लॉकडाउन के चलते इस चलन की वजह से, तो बहुत लोग चाहते हैं कि घर पर वो अपना वेट मैनेज करें। तो जैसे जिम भी अब तक बंद थे, ये न्यूज़ आ रही है कि अभी जिम जो है वो खुल जाएंगे, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग अभी भी चाहते हैं कि घर पर रहकर भी अपना वेट मैनेज किया जाए। तो योगा, बेसिकली मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि योग सिर्फ व्यायाम नहीं होता, इट्स नॉट जस्ट एन एक्सरसाइज। योग बहुत हमारी जो है एक संस्कृति है भारत की, हमारी बहुत बहुत पुरानी एक संस्कृति है, जो कि ना सिर्फ एक एक्सरसाइज का माध्यम है, ना सिर्फ एक व्यायाम का माध्यम है, बल्कि इससे हम इस मेडिटेशन के लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं, और बहुत सारी इस तरह से हम शरीर की हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है योगा के माध्यम से। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम योग के माध्यम से सीख सकते हैं और योग के माध्यम से जान सकते हैं। दुनिया को जानने का एक अलग ही नज़रिया है योग के माध्यम से। और वैसे तो भी योग के माध्यम से मैम हम कौन कौन सी बीमारियों को मतलब दूर कर सकते हैं, और कैसे मतलब किस टाइप में ऐसे? जैसे सबसे मेन जो प्रॉब्लम्स जो आजकल सबसे ज़्यादा फेस है, ओबेसिटी, मोटापा। तो योग के माध्यम से सबसे पहले जो है ओबेसिटी को हम बहुत ईजिली जो है अपना ओबेसिटी ख़त्म कर सकते हैं, मोटापा ख़त्म कर सकते हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है किसी को, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम में पॉपुलर है। और अगर और कुछ नहीं तो हम बात करें कोरोना की, इम्यूनिटी हमारी बूस्ट होती है अगर आप रेगुलर प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। प्राणायाम बेसिकली है क्या? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। किस तरह से हम एक बैलेंस बनाते हैं अपनी इनहेल और एक्सहेल का, सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, एक उसके बैलेंस को बोलते हैं हम प्राणायाम। तो प्राणायाम के थ्रू हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, और इस टाइम पे जहाँ कोरोना काल के अंदर हम कोरोना से भी बच सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके। और ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, डाइट पे हमें अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए, योगा के साथ साथ हमें डाइट भी अपनी पूरी ध्यान से लेनी चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स खाइए। अगर बात करते हैं कि कोरोना के टाइम में हमें किस तरह से अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है डाइट के थ्रू, तो आप लोगों को सिट्रस फ्रूट खाने चाहिए अपने विटामिन सी को इम्प्रूव करने के लिए। कैसे? आप टैंगरीन खा सकते हैं, आप ऑरेंजेस खा सकते हैं, मौसमी खा सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं। सुबह अगर उठकर आप गुनगुने पानी में खाली पेट लेमन वाटर और हनी थोड़ा सा मिलाकर लें, तो दैट इज़ अ वेरी गुड डिटॉक्स। अगर आप उसमें थोड़े से क्यूकम्बर के खीरे के पीसेस डाल दें, और वो भी बहुत ही अच्छा आपका डिटॉक्स है। चेंज करने के लिए आप उसमें मिंट यानी कि पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं, ये बहुत बड़ा डिटॉक्स ड्रिंक है। जैसे सुबह सुबह अगर आप ये लेते हैं तो आपको पूरा दिन आपके शरीर में एक ताजगी महसूस करेंगे आप, और एक डिटॉक्स हो जाती है बॉडी। तो हमारे जैसे जो भी एक दिन पहले का जो भी हमने खाया पिया है वो सब उसके उससे डिटॉक्स हो जाता है वेस्ट के थ्रू, और आप एक पूरा दिन एक ताजगी महसूस करते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, आमंड्स खाइए, सोक्ड आमंड्स, क्योंकि गर्मी है तो हमें सोक्ड आमंड्स खाने चाहिए। तो ये
डाइट का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, ऑयली नहीं खाएं। और सबसे बड़ी बात, इस लॉकडाउन के दौरान प्लीज बाहर से बिल्कुल खाने की कोशिश मत करिए, घर पे फ्रेश खाइए। जितना फ्रेश खाएंगे उतनी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। आपके अनुसार मैम ये बताइए कि क्या योग सुबह सुबह ही करना जरूरी है? अगर हम डेली रूटीन में मतलब सुबह सुबह कोई कुछ लोग होते हैं भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं अपनी ड्यूटी के कारण या जैसे भी, तो वो क्या दिन में कर सकते हैं? और क्या दिन में अगर कर सकते हैं तो वो खाना खाने के कितने टाइम बाद कर सकते हैं, क्या किस तरह से? वैसे तो योग की कोई समय सीमा नहीं, वैसे अगर एक लॉजिकल बात की जाए तो ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि हमें सुबह सुबह ही योग करना चाहिए। वो बात ये है कि कब करना चाहिए। ज्यादा फायदा हमें तब होता है जब हम उसे ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, जब हम सुबह सुबह, क्योंकि ये कहा जाता है कि सुबह सुबह जो फ्रेश एयर, बेसिकली योग क्या, योग हम किस लिए करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्राणायाम, ताकि हम अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति कर सकें। ऐसा ये मिथ है कि लंग्स को सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हमारे छोटे से छोटे सेल को, हमारी बॉडी के अंदर हर छोटे से छोटे कण को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो हमारे ऑक्सीजन के थ्रू रिजुविनेट होता है। तो इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ही हम प्राणायाम करते हैं। तो अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में प्राणायाम करते हैं तो उसका हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सुबह सुबह जो ऑक्सीजन है बहुत, एयर बहुत फ्रेश होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमारे पेड़ पौधे, और इसकी वजह से ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप किसी भी वक्त प्राणायाम कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए कि 3 घंटे जो है आपका खान, अगर आप कोई भी प्राणायाम करते हैं या कोई भी पेट की एक्सरसाइज करते हैं, स्टमक की कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो कम से कम 3 घंटे का गैप आपका खाने से, मतलब खाना खाने के 3 घंटे बाद कर सकते हैं। हाँ, 3 घंटे का गैप आपका खाने से होना चाहिए, क्योंकि अगर पेट की कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो तब तक खाना हजम नहीं होता, तब तक आप अगली एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है एक्सरसाइज 3 घंटे कम से कम बीच में गैप डालें। तो ऐसे प्राणायाम के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, जिस तरह से अगर हम बात करें तो कपालभाती और अनुलोम विलोम बहुत ही प्रचलित है, आप सभी लोग जानते हैं, रामदेव बाबा जी बहुत इसके बारे में बताते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्राणायाम हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करने चाहिए। कुंभक है, आंतरिक कुंभक, बाहरी कुंभक, ये बहुत बहुत ही अच्छा प्राणायाम है जिससे हम अपने सेल्स को रिजुविनेट कर सकते हैं। कुंभक बेसिकली क्या होता है, एक सांस को रोकने की प्रक्रिया को बोलते हैं। जब हम बाहर सांस को रोकते हैं या अंदर सांस को रोकते हैं, उसकी प्रक्रिया को ही कुंभक बोला जाता है। तो कुंभक से जो है आप लंबे ड्यूरेशन तक जवान रह सकते हैं, आपकी स्किन जो है बहुत हेल्दी रहती है, रिजुविनेट रहती है। तो ऐसे बहुत सारे और भी प्राणायाम हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हम योग स्टार्ट करते हैं, योग करना स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग के दिनों में उनका कहना है कि हमें मतलब मसल पेन रहती है या तकलीफ होती है, तो क्या ये स्टार्टिंग में कुछ दिन ही होता है या कैसे, उसके बारे में आप दर्शकों को स्पष्ट करिए। वैसे तो योग करने से कभी कहीं पेन नहीं होता, क्योंकि बेसिकली क्या, मैं वही आपको बार बार दोहरा रही हूँ कि सांस भरने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को प्राणायाम बोलते हैं। और कोई भी आसन करते हैं या एक्सरसाइजेस भी हम कोई भी करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सांस कैसे लिया जाए और सांस कब छोड़ा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब भी आप कोई योगा करें या कोई आसन करें तो किसी ना किसी एक्सपर्ट की निगरानी में या किसी ना किसी एक्सपर्ट से सीख कर करें, ताकि आपको ये पता हो कि इनहेल कब करना है, एक्सहेल कब करना है। जब आपको सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की नॉलेज होगी तब आपको कभी कोई पेन नहीं होगी। और अगर शुरू में कोई मसल पेन होता है, वो होता क्यों है, बेसिकली क्या होता है, हमारी नर्व्स में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हो जाती हैं और वो ब्लॉकेजेस की वजह से ही वहाँ पे फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, हमारा जो है बॉडी के अंदर फैट एक्यूमुलेट हो जाता है उन ब्लॉकेजेस की वजह से और मोटे होने शुरू हो जाते हैं। तो प्राणायाम या आसन जो है वो आपकी ब्लॉकेजेस को खोलता है। तो ब्लॉकेजेस जब एक बार खुलती हैं तो एक बार शुरू में मसल स्ट्रेच होती है और पेन होता है, वो थोड़े ड्यूरेशन के लिए होता है, तो इसे घबराना नहीं चाहिए। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका जो पेन है वो कम हो जाएगा। और अगर कभी ऐसा पेन हो तो आप क्या कर सकते हैं, अगर लेग्स में पेन है तो आप मालिश कर सकते हैं सरसों के तेल की, आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी डालिए दूध के अंदर, वो पीजिए, आपकी मसल पेन। और मैम ये बताइए कि क्या योगा को सभी कर सकते हैं और किस टाइप के पेशेंट इसे नहीं ना करें? योगा सभी को करना, मतलब जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है या कोई अस्थमा का या जैसे भी,
तो क्या वो भी कर सकते हैं? जी, अस्थमा के पेशेंट्स के लिए तो स्पेशली अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं सीख कर प्रॉपरली, तो अस्थमा में भी आपको रिलीफ मिलता है। अगर बात करें डायबिटीज की, तो ऐसे बहुत सारे आसन हैं, ऐसे बहुत सारे प्राणायाम हैं जो डायबिटीज को भी क्योर करते हैं। यूरिक एसिड के लिए अगर हम तितली आसन, तितली बनाकर तितली आसन करते हैं, वो यूरिक एसिड 15 मिनट आप तितली आसन करिए तो आपको यूरिक एसिड आपका खत्म हो सकता है। उज्जयी प्राणायाम करने से आपका जो है थायराइड बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो सकता है। मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, अगर आप रेगुलर 15 मिनट उज्जयी प्राणायाम करते हैं तो आप थायराइड को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आप योग के माध्यम से अगर आप प्रॉपरली आप सीखें। जैसे PCOD आज के टाइम में गर्ल्स के लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये तो आप 90% ऑफ द गर्ल्स में देखी जा रही है आजकल, उनको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस से क्योर, मतलब जो किए जा सकते हैं जिससे हम अपनी बॉडी के हार्मोन इम्बैलेंस बना सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले जाने योग क्या है। योग अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्ञान है जो हमें भारत की वजह से हमें मिला है। हमें तो खुशकिस्मत है हम जो हम भारत में पैदा हुए हैं, और हमें इतनी बड़ी धरोहर मिली है योग, जो कि जिससे हम हमारी हर तरह की प्रॉब्लम्स से निजात पा सकते हैं। तो मैम, आपने भी कोरोना काल में काफ़ी वेट लॉस किया है, तो किस टाइप से योगा करके आपने वेट लॉस किया हमारे दर्शकों को बताइए, हमें भी बताइए। बेसिकली आई एम अ कथक डांसर, मैं बचपन से कथक सीख रही थी, लेकिन कथक छोड़ देने की वजह से मेरा वेट गेन हो गया था, क्योंकि जैसे उसके बाद मैंने आपको बताया मैंने एमटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो पढ़ाई के जोर की वजह से नहीं मैं टाइम दे पाती थी एक्सरसाइज को या डांस को, तो मेरा वेट जो है वो मैंने गेन कर लिया। बट मैंने रिसेंटली मतलब एक साल पहले ही मैं योग से जुड़ी हूँ, और आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर मैं एक भी दिन योगा नहीं करती तो मेरा दिन पूरा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब योग करने के बाद जो वो एक मानसिक मुझे एक शांति मिलती है, जो एक मेरा मस्तिष्क शांत रहता है, तो उसके माध्यम से आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ मुझे बैलेंस्ड लगता है। तो मैंने बेसिकली योगा से ही अपना वेट रिड्यूस किया है। मैं सुबह रोज 2 घंटा योगा प्रैक्टिस करती हूँ, जिसमें प्राणायाम करती हूँ, पेट से रिलेटेड आसन करती हूँ, नीचे लेट कर कुछ आसन करती हूँ। ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हमारा वेट रिड्यूस होता है, हमारा जो बैली फैट है वो रिड्यूस होता है। तो मैं योगा प्रैक्टिस करती हूँ और अपने डाइट का भी पूरा ध्यान रखती हूँ। लॉकडाउन के जो टाइम का आपने पूरा पूरा फायदा उठाया है ना, तो आप सबको भी इस टाइम का फायदा उठाना चाहिए। मैं जानती हूँ इस कोरोना काल के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम सब, लेकिन खुश रह सकते हैं। खुद को खुश रहकर, खुश रख कर हम इस प्रॉब्लम से इजीली निजात पा सकते हैं। तो आप योगा से जुड़िए और अपने आप को अंदर से अपने इनर, बाहर से खुश रहना तो बहुत आसान होता है, अंदर से आंतरिक जो शांति और आंतरिक खुशी है वो हमें मिलती है योगा के थ्रू, और हमें पता चलता है कि एक्चुअली खुश रहना क्या होता है। धन्यवाद मैम, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी योगा के बारे में, अलग अलग जो हमारी बीमारियां हैं उसके बारे में अलग अलग एक्सरसाइज बताई मैम ने। तो कोरोना काल में जैसा कि मैम ने अपने टाइम का मतलब फायदा उठाया, तो उस टाइप में हम भी घर पर बैठकर अपना वेट लॉस कर सकते हैं, बहुत सी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, क्योंकि आजकल कोरोना काल में क्या है कि हम लोग मतलब हॉस्पिटल जाने से भी घबराते हैं, तो योगा के द्वारा हम अपनी बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो घर पर रहकर हमने शुद्ध खाना खाना है और योगा करना है, प्राणायाम करना है। तो स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार।